यहाँ पे देखो क्या लिखा है, श्री श्री साधु बाबा धाम। तो आप लोग इस पे मुंह पे थूक देना। ये देखो यहाँ पे कल के तैयारी हो रहा है कभी। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ खुश होंगे। तो आज का एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज जो है महाशिवरात्रि है, और इसलिए आज हम मंदिर जा रहे हैं साधु बाबा के आश्रम में। वो जो है चाय के बगान के अंदर है, तो उसमें अभी हम जा रहे हैं। और मेरा छोटा भाई भी गुवाहाटी से आया हुआ है, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे बबीता भी देखो तैयार हो रही है, तैयार होकर पूरा रेडी है, येलो येलो होके चल रहे हैं देखो। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, और मैं व्हाइट होके जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, और मंदिर में जाके आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग जो है ऑटो से जाने वाले हैं। तो अभी हम दोस्तों निकल चुके हैं, और हमारा ऑटो से जाना कैंसिल हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी, तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं और चलते हैं साधु बाबा के आश्रम में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है चाय के बगान के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और अभी जो है चाय को कलम दिया गया है, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम जो है पहुंच चुके हैं, और यहाँ के पीछे का नज़ारा देखो, चाय का गार्डन। और ये जो है दोस्तों चाय का गार्डन, जिसके लिए आसाम जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पीछे का व्यू, और यह है सीढ़ियाँ मंदिर में जाने का। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, श्री श्री साधु बाबा धाम। तो चलिए अंदर चलते हैं, बबीता भी चल जा चुके हैं। तो सीढ़िया चढ़ना पड़ता है, यहाँ पे 80 शायद 80 या 100 सीढ़िया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखो आम का पेड़ कितना फूल दिया हुआ है, आम का पेड़ में देख सकते हो। और यहाँ पे एडवांस लोग आए हुए हैं। ओह माया, ये देखो जिस वायरल हुआ था मेरा दोस्त जिसका शादी हुआ था अभी दो दिन पहले, मैंने ब्लॉग डाला है। मवा आसे गो हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट, इस पे मुंह पे थूक देना। तो बाय बाय, चल तो चलिए चलते हैं अंदर। सब लोग मिल गए यहाँ पे आके, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग यहाँ पे आएंगे। फ़ोन करते तो एक साथ आते, तो यहाँ पे आके मिल गए। तो चलिए मंदिर के ऊपर चलते हैं। तो आज तो यहाँ पे एक माइक भी लगाया हुआ है, ये देखो क्या मस्त लग रहा है दोस्तों मंदिर। यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हाँपने लग गए, क्योंकि पहाड़ चढ़ने का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हाय हाय पड़ती यहाँ। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और इस पेड़ को देखो कितना मस्त लग रहा है। पहले भी आए यहाँ पर? हैं, पहले भी आए थे, भूल गए ना। तो चलिए यहाँ पे भी इस पेड़ को देख रहे हो कितने दूर दूर तक जड़े फैले हुए हैं। यहाँ पे देखो, और यह है मंदिर कर रहे हो। हेलो,
तो फाइनली दोस्तों हमारा पूजा जो है वो खत्म हो चुका है। बबीता को देखो आज रील बनाने में पूरा मस्त है, बहुत सारे रील बना रही है। और विनायक और कितना गाना पाल हुए ज्योतिका मस्ती में है पूरा। विनायक और ज्योतिका यहाँ पे मस्त तरीके से खेल रहे हैं। और लोकेशन देखो कुछ इस तरीके से है, मस्त लोकेशन है। तो अभी हम जा रहे हैं घर और यहाँ पे देखो क्या मस्त नज़ारा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और उधर देखो चाय पत्ती तोड़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए। यहाँ पे गन्ने का मशीन देख सकते हो आप लोग, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गन्ने का जूस। जमीन आके मुझे बताइए। फाइनली देखो हमारा जूस मिल चुका है, पी के देखते हैं, बहुत बढ़िया है। तो चलिए पीते हैं, पीने के बाद घर में जाएंगे। तो हम मार्केट में आए थे दोस्तों क्योंकि कल जो है शिवरात्रि का भोजन कराने वाले हैं। जो लोग व्रत रखेंगे उन लोगों का भोजन कराने वाले हैं। तो हम लोग मार्केट से थोड़ा सामान वगैरह सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं और खरीद के पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी जा रहे हैं घर और गाड़ी वहाँ पे रखा है, देख सकते हो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने सब्जी वगैरह खरीद लिया है यहाँ से। ये हमारा दुलबसरा मार्केट जहाँ से हम लोग सब कुछ खरीदते हैं, देख सकते हो सब्जी वगैरह निकला गया इधर। तो हमारा अरे बे गांध लेगो कोई थे। तो यहाँ पे देखो बैग को रख दिया है, यहाँ पे पूरा सब्जी वगैरह खरीद लिया हम लोगों ने। चलिए अभी घर चलते हैं। दोस्तों हम लोग घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखो लकड़ियों को काट के रखा हुआ है कल जो शिवरात्रि में आज जो व्रत करेंगे उसको कल भोजन कराने के लिए। यहाँ पे इस ये सब जो है मेरे पिताजी ने लकड़ी को काट के रखा हुआ है। और इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हम लोगों ने चूल्हा बनाया है जहाँ पे पकवान होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक दो तीन चूल्हा बना लिया है यहाँ पे। तो यहीं पे जो है कल पकवान होगा। ये देखो यहाँ पे कल के तैयारी हो रहा है, कल सब्जी बना रहे हैं हम लोग। बाबा ने बाबा को बोला तो दे बाबा को भी दो। देखो नया टेक्निक आ गया है पत्ता गोभी को कैसे करके बना रहा है। और देखो यहाँ पे कितना सारा सब्जी कल बनाएंगे हम लोग, भंडारा होगा यहाँ पे। ये देखो हमारे बहन आ चुकी है और फोटो देख रही है। और इसका बेटे को देखो, इसका नाम है जगदीप। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी जो है सुबह का 8 बज रहा है और सभी लोग जो है भोजन के लिए आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सब लोग जो है खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, देख सकते हो। और गांव में सब लोग जो है ऐसे ही मिलजुल के बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जहाँ पे खाना बनाया था ब्राह्मण ने, पंडित ने आके यहाँ पे खाना बनाया। और यहाँ पे देख सकते हो सब लोग जो है मस्ती से खा रहे हैं आराम से बैठ के। ये देना बोल रहा है।